सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पीडीआर पाली को और नए नए अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पीडीआर पाली में स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास में ये वैगन आ रही है मारुति की, आप देख सकते हैं रनिंग बॉर्डर पूरी तरीके से सड़ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरी तरीके से खड्डे हो चुके हैं, जहाँ से भी हम पुश कर रहे हैं वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। तो इसका पूरा सारा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे, इसको किस प्रकार से ठीक करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इसके रस्ट के इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं कि ये हाथ से ही पूरी तरीके से बाहर आ रहा है। तो कई बाइक के कमेंट्स थे कि हमारे जो रनिंग बोल्डर की रस्ट लग जाती है, कोई भी गाड़ी हो उसका रनिंग बोल्डर का किस प्रकार से रिपेयर किया जाता है। तो हम आज इस टॉपिक पे ये वीडियो लेके आए हैं। हम उन भाइयों के लिए वीडियो लाए हैं जो हमें कमेंट्स करते हैं कि किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो हम उन भाइयों के लिए टॉपिक पर वीडियो लाए हैं, और आप जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी है। अगर आपकी गाड़ी में किसी प्रकार का रस्ट लगा हुआ है तो उसको किस प्रकार से निकालना चाहिए, ये किसी एक्सपर्ट द्वारा काम करवाना चाहिए। तो आज हम आपके सामने ये इसको रिपेयर करेंगे, किस प्रकार से देखिए रिपेयर करते हैं वो सारा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमने इसको फेटर को ऊपर साइड से हटा लेते हैं ताकि हमें रनिंग बोल्डर लगाने में आसानी रहे, और हम अंदर की साइड से भी आपको चेक करा देते हैं कि कहाँ से कितना रस्ट लग चुका है, और इसको देखिए किस प्रकार से कटिंग किया जाता है हम आपको दिखा देते हैं। जहाँ जहाँ से हम इसको लाइन से यहाँ से कट कर लेंगे, कट करने के बाद में इसको किस तरीके से फिटिंग किया जाता है वो सारा प्रोसेस हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, और वापस कलर होने के बाद में किस प्रकार से नज़र आता है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कितना एकदम नेचुरल जो कंपनी फिटेड होता है उसी प्रकार से हम इसको फिट करेंगे। तो किस प्रकार से, तो ये कार्य शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं। मार्क करना इतना ज़रूरी है दोस्तों कि आपको एग्जैक्ट नाप उसका मिल जाता है, इसलिए आप इसको मार्क कर लें और फिर इसके बाद में इसको कटिंग कर लें। ताकि की भाई के थे कमेंट्स के हमने जो रनिंग बॉर्डर है डायरेक्टली उसको कट कर लिया, फिर उसके बाद में हमने उसके ऊपर से अलग से पेज लगाया, तो वो प्रोसेस बिल्कुल ख़राब हो जाता है, उससे अच्छा फिनिशिंग वगैरह नहीं आती। तो आप सबसे पहले आप इसको मार्क कर लीजिए, फिर उसके बाद में इसको कट लगाइए और फिर इसको चेंज कीजिए। जो भी पीस हो गाड़ी का किसी भी प्रकार का हो तो सबसे पहले उसको मार्क कर जरूर कर लीजिए। हमारा तो ये डेली रूटीन का काम है, तो कितना पीस आता है वो हमें नेचुरल तरीके से पता है कि कहाँ से कट करना चाहिए। तो हम इसको सिर्फ दो इंच से कम हम इसको कट करते हैं, ताकि जब भी हम इसमें वापस फिट करें तो थोड़ा सा कट लगा के इसको फिटिंग किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम इसको एक्स्ट्रा में कट करेंगे, ना कि इसको पहले पूरी तरीके से। तो एक्स्ट्रा कट करने के बाद क्या होता है कि जब हम रनिंग बॉर्डर वापस इसके ऊपर कवर चढ़ाते हैं तो उसका एग्जैक्ट नाप आ जाता है, फिर आप उसको मार्क करके फिर डायरेक्टली वो काट के इसको पीस को आप ऐड कर लीजिए। ताकि वो जो कई बार के कमेंट्स थे कि हमारे जो पीस हमने चेंज कराया है उसको ऊपर नीचे क्यों रह रहा है, तो वो गांठ टाइप बन जाता है, तो वो गांठ इसी प्रकार से बनती है। तो अगर आप इसको फेस टू फेस लगाएंगे तो गांठ किसी भी प्रकार की नहीं रहेगी, और कलर खोने के बाद में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपकी गाड़ी में रनिंग बॉर्डर या कोई भी पीस चेंज किया गया है। तो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, और याद रहे दोस्तों आपके पास अगर हैंड गन है तो उससे कट कर सकते हैं, नहीं तो आप छेनी हथौड़ी की मदद से कट कर सकते हैं। हम छेनी हथौड़ी से इस प्रकार से कटिंग करते हैं कि एकदम जो नेचुरल जो कटिंग होती है। हमेशा ध्यान दीजिए कि छेनी जो होती है या कलम छेनी है या किसी भी प्रकार का आपके पास औजार है वो एकदम तीखा होना चाहिए, ताकि जब भी आप पुश करें और चादर ज़्यादा मुड़े नहीं और एकदम से अच्छे से कट हो जाए। तो इसको यहाँ से लेके पूरी तरीके से इसको कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी लाइन को एरो के निशान से आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसको पूरी तरीके से कट कर लेते हैं और फिर इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से इसको पीस को पूरा कट कर लिया। अब इसकी हालत आप देख सकते हैं कि कितनी ख़राब तरीके से हो चुकी है, इसकी रस्ट देख सकते हैं आप कि इसको हमने पूरा पीस को हमने बाहर निकाल लिया है, और इसका जो ये रस्ट देख सकते हैं आप इतना पूरी ये इसी से निकला है, ना कि हमने किसी प्रकार का कोई खट्टा किया है। यहाँ से हमने इसको पूरी तरीके से कट कर लिया है, वो जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो भी हमने इसको अच्छे से कट कर लिया। तो अब हम शुरू करते हैं कि इसका रनिंग बॉर्डर किस प्रकार से ऐड करना चाहिए। तो देख सकते हैं कि अपन हमने इसको पूरी तरीके से कट कर लिया और ये इसका न्यू रनिंग बॉर्डर है। तो देखिए कई बाइक के कमेंट्स थे कि कई हमने भी किसी बाइक से जो है जिस किसी ने हमसे पूछा कि डोर उतारने की ज़रूरत है क्या, तो हम आपको ये सजेस्ट करना चाहेंगे आपको डोर उतारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप डोर निकालेंगे तो उसमें क्या होता है कि बार बार आपको डोर लगा के देखना पड़ेगा कि नीचे की जो लाइन है उसमें गैप प्रॉपर है या नहीं है, तो आप डोर को उतारने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप चाहे तो नीचे वाले जो कब्जे हैं उसके दो बोल्ट है वो उसको आप खोल लीजिए, रनिंग बोल्ट डाल के फिर वापस सेट कर लीजिए, ताकि आपकी जो लाइन शेप है वो प्रॉपर मिल जाए और फिर आप रनिंग बोल्ट वेल्ड कर सकते हैं। तो कई बाइक के कमेंट्स थे कि हमने जो रनिंग बोल्ट लगवाया है या लगाया है उसमें गेप कम ज़्यादा क्यों ज़्यादा। तो गेप कम ज़्यादा इसी प्रकार से होता है कि कई बाइक क्या करते हैं कि डोर उतार लेते हैं, रनिंग बोल्ट लगा के फिर वापस उसमें ऐड करते हैं, तो क्या डोर और रनिंग बोल्ट दोनों ही टच हो जाते हैं। फिर जब भी दरवाज़ा खुलना है तो कलर करवा देते हैं, उसमें क्या होता है कि उसका पेंट ख़राब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से भी इसको पूरी तरीके से फिटिंग कर लिया है। अब आप इसकी फिटिंग देख सकते हैं, एकदम प्रॉपर जो लाइन शेप है वो प्रॉपर आ चुकी है। ऊपर से भी हमने आपको दिखा दिया, ये पूरी तरीके से एकदम जेन्युइन तरीके से लग चुका है। अब रही बात दूसरे स्टेप की, तो इसको वेल्ड किस प्रकार से करना चाहिए, तो हम आपको एक सजेस्ट करना चाहेंगे कि भाई क्या करते हैं कि इसको फ्रंट साइड से वेल्ड कर लेते हैं, पूरा स्टार्ट से लेकर पीछे तक ला के वेल्ड छोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है ये घूम जाता है। तो घूमने का जो कारण होता है वो इसी प्रकार से होता है, गर्म होने के बाद में कोई भी पार्ट हो वो घूम जाएगा। तो इसलिए आपकी क्या कीजिए कि इसको पहले से अच्छे से मिला लीजिए, फ्रंट और रियर साइड में इसके एक एक टैग ऐड कर लें। आप रनिंग बॉर्डर में नीचे भी टैग लगाएं तो ठीक है, नहीं तो आप आगे से पीछे और बीच में ज़रूर टैग लगाना ना भूलें, ताकि क्या होता है कि बीच में एक साइड से झूलने की जो समस्या होती है वो इसी प्रकार से रहती है। तो आप सबसे पहले एक बीच में टैग लगा लीजिए और फिर फ्रंट और रियर में दोनों साइड में एक एक तीन ही टैग लगा लें आप, ताकि ये घूमे नहीं, और फिर आप इसको अच्छी तरीके से पूरा प्रॉपर वेल्डिंग कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो पीस है ये ख़राब भी नहीं होगा, और जो फिटिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम थी जिन भाई के कमेंट्स से, वो फिटिंग में भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसको अच्छे से हम टैग लगा लेते हैं और पूरी तरीके से इसको अच्छे से वेल्ड भी कर लेंगे, वो भी सारा प्रोसेस हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे कि कलर किस प्रकार से किया जाता है, इसका प्रॉपर साइज़ क्या रहता है, इसकी क्या कॉस्टिंग आती है, वो सब हम बताएंगे इस वीडियो में। और एक हम सजेस्ट करना चाहेंगे दोस्तों कि कई बाइक के कमेंट्स थे कि हमारे जो वीडियो देखते हैं उसमें वीडियो में देखने के बाद हमसे तो कॉल करते हैं कि भाई साहब इनका खर्चा कितना आया। तो आप हर एक गाड़ी का कॉस्टिंग अलग अलग होती है, हर गाड़ी में अलग अलग प्राइस होता है, पहले आप गाड़ी ला के दिखाएँ फिर आप काम बताएँ और हम क्या सजेस्ट करते हैं आप क्या सजेस्ट करते हैं, तो वो नेचुरल तरीके से जो होगा उसी में ठीक रहेगा। नहीं तो क्या होता है कि हम जो काम करने का जो कॉस्ट बताते हैं और वो कस्टमर किस प्रकार से चाहते हैं काम, तो उसमें कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। इसलिए आप हमेशा हमारी जो भी वीडियो हो उसमें आप हमें कमेंट्स करके ये ना पूछें इसका कितना खर्चा आया। हाँ, जो भी पार्ट जो आता है, जेन्युइन जो पार्ट्स आता है उसकी हम MRP ज़रूर दिखाते हैं, कोई भी वीडियो हो उसमें हम जेन्युइन जो पार्ट्स होता है उसका सारा रेट बताते हैं, किस प्रकार से इसको ऐड करना चाहिए, इसकी क्या कॉस्ट रहती है, किस प्रकार से फिटिंग होता है और ये कहाँ पे मिलता है, वो सारा प्रोसेस हम आपको उस वीडियो में दिखा देते हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को देख लीजिए कि किस प्रकार से ये कार्य किया जाता है। तो देखिए, हमने पहले सबसे पहले बीच में टैग लगाया, फिर फ्रंट में एक नीचे की साइड से इसके कट लगा के, ताकि ये फेंटर ऐड हो जाए, इसलिए हमें इसे अच्छे से कट लगा लेते हैं। कई भाई क्या करते हैं इसमें एक बोल्ट वेल्ड कर देते हैं या फिर डायरेक्ट वो फेंटर लगा के फेंटर और रनिंग बोल्ट के टैग लगा देते हैं, जो बिल्कुल भी प्रोसेस गलत रहता है, उसको वेल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। फेंटर हमेशा फोल्डिंग रहता है, उसको फोल्ड ही रहने दीजिए आप। तो देखिए, यहाँ से भी हमने फ्रंट और रियर से टैग कर लिया है, अब इसको रियर पीछे की साइड से भी इसको अच्छे से टैग कर लेंगे। तो देखिए, कहीं से भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है इसमें और ना ही ऊपर नीचे, हम आपको वेल्ड करके दिखा देते हैं वापस इसको। तो यहाँ से भी हम इसको अच्छे से टैग लगा लेते हैं और यहाँ पर एक थोड़ा सा रस्ट लगा हुआ है, वहाँ पर भी हम थोड़ा सा छोटा सा पीच लगा लेंगे, ताकि कलर होने के बाद में किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। और याद रखिए कि दोस्तों, कि कहीं पे भी रस्ट वगैरह लगी हुई हो तो जो पीस रस्ट लगा हुआ है, एग्जांपल के तौर पे अगर 2 इंच का रस्ट लगा हुआ है तो आप 3 से 3.5 इंच का टुकड़ा लें और उसको रस्ट को कट कर लें और फिर उसके बाद में उसको ऐड करें। नहीं तो क्या होता है कि जो 2x2 का जो पीस होता है उस पर 2x2 की कारी लगाते हैं, उसमें क्या होता है वेल्ड भी प्रॉपर नहीं हो पाता और रस्ट वापस से स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा कार्य बिल्कुल भी ना करें, ना करवाएं दोस्तों। आप किसी कस्टमर के अकॉर्डिंग हो तो किसी एक्सपर्ट द्वारा ही आप काम करवाएं, ताकि जो भी गाड़ी का हो तो वो ओरिजिनल प्रॉपर रहे। तो देखिए, यहाँ से हमने अच्छे से वेल्ड करना शुरू कर लिया है, अब इसको अच्छे से पूरा वेल्ड कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये नज़र आ रहा है।
तो इसको पूरा हमने वेल्ड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम पूरी तरीके से वेल्ड कर लिए हैं। अब आपको दिखा देते हैं कि इसकी जो फिटिंग वगैरह है वो प्रॉपर क्रिस तरीके से। तो देखिए ये हमने पूरी तरीके से वेल्ड कर लिए हैं और ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं है। और इसके हमने एक एक छोटे टेक भी लगा लिए हैं और पूरा पार वेल्ड कर लिया है। कई भाई क्या करते हैं, इसको छोटा टेक लगाने के बाद में क्या करते हैं, ना पुट्टी एड करवाते ना कोई बात, और सीधा डायरेक्टली पेंट करवा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी उतरने के बाद में वहाँ से पूरी तरीके से हट जाता है और रस्ट बिल्कुल बाहर आ जाती है। तो एक्स्ट्रा जब भी हो आप काम किसी एक्सपर्ट द्वारा ही कर, ताकि गाड़ी की ओरिजिनलिटी बरकरार रहे। अब ये हमने पूरी तरीके से इसको फिटिंग कर लिया है। अब इसकी लाइन जो शेप की बात की जाए तो ये देख सकते हैं कि हमने जो फेंडर है वो ओपन फिटिंग में है और इसकी लाइन प्रॉपर है एकदम तरीके से। आप देख सकते हैं जो जेन्युइन तरीके से जो गाड़ी आती है उसी प्रकार से इसका गैप रखा गया है, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं है। और नीचे की साइड से भी देखिए हमने इसको अच्छे से टेक कर लिया है, ताकि कहीं भी चूहा वगैरह या पानी जाने की कोई समस्या ना रहे। इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर फिटिंग कर लिया है। अब देखिए कि यहाँ पे जो प्रोसेस है पेंट का, तो आप देख सकते हैं कि पेंट का जो प्रोसेस रहता है, तो सबसे पहले इसको अच्छे से स्क्रब कर लीजिए, फिर बाद में इसमें पुट्टी ऐड की जाएगी, ताकि जो भी ऊपर नीचे का कोई हो किठान वगैरह वो अच्छे से क्लियरली हो जाए। तो ये कराना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कई बाइक के कॉमेंट्स थे कि हमारे जो पीस ऊपर नीचे रह जाते हैं वो कारण क्या रहता है, तो यही कारण है उसका दोस्तों, कि ये जो फिटिंग वगैरह में होने के बाद में जो अगर पुट्टी ऐड नहीं कराएंगे तो प्रोसेस बिल्कुल ख़राब रहेगा। या तो आप इसको ग्राइंड कर ले और अच्छे से वेल्ड हो, तो सिर्फ पुट्टी बढ़ा के ही काम हो सकता है। तो देखिए हमने इसको अच्छी तरीके से वेल्ड कर लिया है और ये पूरी तरीके से अच्छे से फिटिंग हो चुका है। अब इसका स्क्रब हमने कर लिया है, अब इस पर हम पुट्टी ऐड कर लेंगे, ताकि जो भी ऊपर नीचे का जो लाइन शेप है वो प्रॉपर नज़र आ जाए, इसलिए हम इसमें पुट्टी ऐड कराएंगे। काम एकदम जेन्युइन होना चाहिए, ताकि कस्टमर भी खुश हो जाए और कहीं पे भी वो गाड़ी जाए तो अपना ही नाम हो कि कहाँ से करवाई, कि हमने उनसे करवाई है। तो आपका नाम होने के कारण क्या होता है कि जब भी गाड़ी कहीं पर खड़ी रहेगी तो अच्छे से नज़र आएगी। अब देखिएगा हमने इसको अच्छे तरीके से पेंट भी कर लिया है। अब इसकी जो फिटिंग प्रॉपर की बात की जाए तो कहीं से भी ये ऊपर नीचे नहीं है, जो जेन्युइन तरीके से है पीस उसी प्रकार से दिखेगी, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं है और कहीं से भी कोई गिठान वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कोई वेल्ड वगैरह का कोई निशान नहीं है और ये पूरी तरीके से ओरिजिनल तरीके से में है, ये अच्छे से फिटिंग हो चुका है। और इसकी लाइन शेप की बात की जाए तो देखिए प्रॉपर तरीके से जो लाइन रहनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से है, इसमें कहीं पर भी ऊपर नीचे नहीं है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए कि हमने इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और पीछे की साइड से भी देखा जाए तो यहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से आ चुकी है, कहीं पे भी ऊपर नीचे नहीं है। और पुट्टी ऐड होने के बाद में देखिए कोई भी गिठान वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। तो ये प्रोसेस हमने आपको इस टॉपिक के जो कमेंट्स थे उन टॉपिक पर हमने ये वीडियो बनाया था। अब इसका जो फाइनल राउंड हम आपको दिखा देते हैं कि आप किस प्रकार से नज़र आ रही इसका। हालांकि हमने बहुत सारा काम किया है, आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत छोटी बड़ी टचिंग थी वो भी हमने कंप्लीट की। बाकी जो कमेंट्स थे उसके अकॉर्डिंग में हमने ये वीडियो बनाया है। आप देख सकते हैं छोटी वाली वीडियो में किस प्रकार से रस्ट लगी हुई पीस है और नीचे हमने किस प्रकार से इसको रिपेयर किया है, वो सारा प्रोसेस हमने आपको वीडियो में दिखाया है। तो अब ये किस प्रकार से नज़र आ रही वो भी आप देख लीजिए, ये प्रॉपर तरीके से फिटिंग हो चुकी है और ये काम पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हम जो भी वीडियो लेके आए आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। और कमेंट्स कीजिए दोस्तों आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर करना ना भूले, दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिए, ताकि उनको पता चलना चाहिए कि गाड़ी का कार्य किस प्रकार से किया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों आपका।